गुड मॉर्निंग, आज मंडे है। ओ सॉरी, दिस इज स्लिप ऑफ टंग। स्लिप ऑफ टंग मीन्स जब कुछ गलती हो जाती है ना, तो हम लोग बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग। जब जुबान से, जब हमारी माउथ से कुछ गलत चीज निकल जाती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्लिप ऑफ टंग। क्यों बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग? टंग मीन्स क्या होता है? टंग मीन्स होती है जीव, और स्लिप मतलब फिसल जाना, तो जीव का फिसल जाना, उसको क्या बोलेंगे? स्लिप ऑफ टंग। तो जब भी आप गलती कुछ बोल दें, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि स्लिप ऑफ टंग हो गया मम्मी, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया, मतलब गलती से मुंह से निकल गया। इसको क्या बोलते हैं? स्लिप ऑफ टंग। तो वो भी मेरे साथ हो गया आज। आज तो मंडे नहीं है ना, आज कौन सा दिन है? इट्स ट्यूजडे। मंडे तो कल था, मंडे तो एस्टरडे को था, आज कौन सा दिन है? टुडे। टुडे इज ट्यूजडे। और कल कौन सा दिन आएगा? जिस दिन हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, कौन सा दिन आएगा? वेडनेसडे। कौन सा दिन आएगा? वेडनेसडे। ओके, अभी मुझसे क्या हो गया था? स्लिप ऑफ टंग हो गया था। आज ट्यूजडे है और मैंने ट्यूजडे को मंडे बोल दिया ना गलती से। तो हम लोग जब भी गलती से कुछ बोल देते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं कि स्लिप ऑफ टंग हो गया। ठीक है, स्लिप ऑफ टंग। स्लिप ऑफ टंग मीन्स गलती से कुछ बोल देना, स्लिप ऑफ टंग। आप लोगों से होता है क्या स्लिप ऑफ टंग, कि आपको कुछ पता होता है और फिर आप कुछ गलती बोल देते हैं? जैसे ऐसे पढ़ते रहते हो ए बी सी, और सबको पता है कि सी के बाद तो डी आएगा, लेकिन तब तक गलती से ई निकल जाता है, और आप ऐसे पढ़ देते हैं ए बी सी ई, और फिर करते हैं नहीं 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 डी होगा, सी डी ई एफ, ऐसे पढ़ते ना। तो वहां पे आप लोग जो ऐसे बोलते ना, नहीं 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 गलती हो गई, उसको आप लोग ऐसे ना बोल के ऐसे बोलिए कि सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया, और फिर शुरू से सही से पढ़ दीजिए। ओके चलो, आज हम लोग क्या लर्न करेंगे? आज हम लोग वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की प्रैक्टिस करेंगे, और वॉवेल्स कॉन्सोनेंट्स को प्रैक्टिस करने के साथ साथ ही हम लोग कुछ नए वर्ड्स भी सीखेंगे। जैसे अभी अभी एक लर्न किया हम लोगों ने, जिसमें मुझसे गलती हो गई थी और मैंने आज मंडे बोल दिया, जबकि तो आज तो ट्यूजडे है, तो इस गलती को मैंने क्या बोला? स्लिप ऑफ टंग। आप लोग भी मेरे साथ बोलिए स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग। तो ये तो हम लोगों को अच्छा बहाना मिल गया ना, जब भी कुछ हमसे गलती से निकल जाएगा, कुछ जुबान से, अपने मुंह से, अपनी माउथ से कुछ भी गलती निकल जाएगा, तो हम लोग ऐसे ही बोल देंगे सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया। कैसे बोलेंगे? सॉरी स्लिप ऑफ टंग। ओके चलो मेरे साथ जरा एक बार प्रैक्टिस कर लो। तो स्लिप ऑफ टंग बोलिए आप लोग भी, स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग। ओके चलो, आज हम लोग वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की प्रैक्टिस करते हैं, फिर कुछ नए वर्ड्स भी सीखेंगे और एक छोटे मोटे कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। ओके लेट्स स्टार्ट। ये देखो, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसके वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। क्या करते थे हम लोग, जब पहले लेक्चर्स में इंग्लिश में वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स पढ़ा था, तो वॉवेल्स को सर्कल करते थे, तो वैसे ही आज भी सर्कल करेंगे। आपके पास कुछ वर्ड्स हैं, ये सारे क्या हैं? वर्ड्स। तो इस वर्ड्स में आप लोगों को वॉवेल्स को सर्कल करना है। अपने पास कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं? वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ एंड यू, यही होते हैं ना, फाइव वॉवेल्स। कितने वॉवेल्स होते हैं? फाइव, ए ई आई ओ यू, है ना। चलो अब इनको हम सर्च करेंगे। सर्च करना मतलब ढूंढेंगे। आप लोग अपने सामान सर्च करते हैं ना, हमने तो बहुत बार आप लोगों को क्लास में देखा है कि आप कुछ गलती लिख देते हैं अपने कॉपी पे, एंड देन फिर बैग में हाथ डाल के इरेजर सर्च करने लगते हो, फिर अपनी पेंसिल्स को कई बार आप लोग बहुत ज़्यादा पुश कर देते हो, फिर उसकी निब जो है वो टूट जाती है, तो निब जब टूट जाती है तो फिर आप लोग फिर से अपने बैग में हाथ डालते हो और शार्पनर सर्च करने लगते हो, है ना। वैसे ही हम लोग क्या सर्च करेंगे यहाँ पे? वॉवेल्स सर्च करेंगे, और सारे वॉवेल्स को सर्च कर करके और क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। ओके चलो बताओ, ये जो वर्ड लिखा हुआ है वॉवेल्स, वॉवेल्स, तो वॉवेल्स में वी, नहीं ये तो नहीं होता है, फिर ओ, ओ हाँ ये ओ तो होता है, वो है अपना वॉवेल, तो वॉवेल्स ओ को सर्कल कर दिया। डब्ल्यू,
W देखो क्या ये A है? नहीं है. E नहीं है. I नहीं है. O नहीं है. U नहीं है. तो W क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स होता है. ये तो वॉवेल होता ही नहीं, तो इसको छोड़ देंगे. फिर ई, ई तो होता है, देखो ये रहा ई, ई वॉवेल होता है, तो ई को सर्कल कर दिया. एल भी नहीं होता और एस भी नहीं होता है, तो इसको लीव कर देंगे. ठीक है, लीव करना मतलब छोड़ देना, तो लीव कर देंगे. देन आप लोग चिंता नहीं करिए ना, आपको जो जो भी वर्ड्स नहीं आते मैं धीरे धीरे सब लर्न हो जाएगा. हम आपसे इतनी बार बोलेंगे ना, लीव कर देना, सर्च कर लेना, स्लिप ऑफ टंग, तो ये सारे वर्ड्स आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे. ओके, अगर एक बार में नहीं लर्न होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आप लोग कोई भी नया वर्ड सुनिए तो उसको प्रैक्टिस करिए. ठीक है, आदत डालते हैं धीरे धीरे, फिर वी विल बी अ गुड बॉय इन कमिंग फ्यूचर्स. अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड, कौन सा अपना नेक्स्ट वर्ड? नेक्स्ट वर्ड मतलब अगला वर्ड. ये है कॉन्सोनेंट्स, तो कॉन्सोनेंट्स बताते हैं. सी, सी तो नहीं होता है वॉवेल. ओ, हाँ ओ होता है, हमको याद है, ए ई आई ओ यू ओ होता है. एन, एन तो नहीं होता है, ए ई आई ओ यू होता है. देन एस, ये भी नहीं होता है, ए ई आई ओ यू होता है. ओ, हाँ ये तो होता है, ए ई आई ओ, आई के बाद आता है ना ओ, तो ओ को भी सर्कल कर दिया. ओ को तो मैंने कुछ ज़्यादा ही सर्कल कर दिया. देन एन, एन भी नहीं होता है ना, एन नहीं होता. फिर ए, हाँ ए तो होता है, ए ई आई ओ यू, तो ये तो पहला वॉवेल है ना, फर्स्ट वॉवेल है ये, फर्स्ट वॉवेल ए हो गया. और ये एन अभी अभी किया था ना, एन नहीं होता है. देखो एन यहाँ पे था वो भी नहीं लिया, फिर एन यहाँ पे था वो भी नहीं होता है, फिर एन यहाँ पे था वो भी नहीं होता है. फिर आया टी, तो टी भी नहीं होता है, ए ई आई ओ यू होता है. फिर आया एस, तो ये भी एस भी नहीं होता है, क्या होता है, ए ई आई ओ यू होता है. ओके, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, मैं क्यों आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोगों को भी एग्जैक्टली वैसे ही करना है. कैसे करना है? एग्जैक्टली वैसे ही करना है. चलो ये वाला वर्ड ज़रा देखते हैं, लेटर. लेटर तो लेटर, लेटर में क्या होता है, एल कैसे सर्च करेंगे, एल तो सोचेंगे ऐसे, एल होता है क्या, नहीं, ए ई आई ओ यू, सिर्फ पांच ही तो होते हैं, सिर्फ फाइव वॉवल्स होते हैं और उसमें एल तो नहीं होता, तो इसको छोड़ देंगे. ये क्या हो जाएगा फिर, कॉन्सोनेंट्स. क्या हो जाएगा फिर, कॉन्सोनेंट्स. जो भी वॉवल्स नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स. फिर आते हैं ई पे, क्या ई होता है, हाँ ए ई, ये तो सेकंड है, देखो ये रहा सेकंड, देखो यहाँ पे ई, ई होता है ना, तो ये ई को सर्कल कर दिया. फिर देखो टी और टी, डबल टी है ये, क्या टी होता है, नहीं होता है. अभी अभी क्या था यहाँ पे प्रैक्टिस, देखो यहाँ पे ये टी था, इसको हम लोगों ने नहीं किया. वैसे ये टी होता है क्या, नहीं होता है. कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं, तो इसको भी नहीं करेंगे. फिर ये ई होता है क्या, हाँ अभी अभी तो किया ई को, ए ई आई ओ यू में ई होता है. क्या आर होता है, नहीं आर तो नहीं होता है, ए ई आई ओ यू होता है. तो हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे, जब भी कोई लेटर आएगा हमारे सामने तो उसको ध्यान से देखेंगे और फिर पढ़ेंगे ऐसे, ए ई आई ओ यू, सिर्फ ये फाइव ही होते हैं. अगर इन फाइव में से कोई एक है तो वो वॉवेल है, और नहीं है तो वो वॉवेल नहीं है. किस किस में से होगा तो वो वॉवेल होगा, ए ई आई ओ यू, इन पांच लेटर्स में से अगर कोई भी होगा तो वो वॉवेल है, और अगर कोई नहीं है तो वो कौन सा हो जाएगा, कॉन्सोनेंट्स. ओके, चलो अब इस वर्ड में एक बार प्रैक्टिस करते हैं. लास्ट वर्ड W, W होता है क्या, कैसे देखेंगे, चलो बताओ कैसे, मेरे तरीके से कैसे देखेंगे हम लोग W, चलो देखते हैं. अपने पास होते हैं A, E, I, O और U, और इसमें तो W है ही नहीं, तो W हमारा क्या हो जाएगा, वॉवेल नहीं है, ये क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट्स. फिर O, O होता है क्या, A, E, I, O, हाँ O तो होता है, तो O को सर्कल कर दिया, ये अपना वॉवेल है. R, R के लिए A, E, I, O, U, ये तो नहीं है R, तो R को भी नहीं सर्कल करेंगे, ये अपना कॉन्सोनेंट्स हो जाएगा. देन D, क्या D होता है, D होता है, A, E, I, O, U, D भी नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होता है. देन तो अपने पास हो गए सारे सर्कल, सारे वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स सर्कल हो गए. अच्छा आप लोगों ने क्या ध्यान दिया, देखो तो मैं इसे जैसे इरेज कर रहा हूँ, मैं जिसको इरेज कर रहा हूँ, सिर्फ इतना इरेज कर रहा हूँ. इसमें दो वर्ड्स हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं, लेटर्स एंड वर्ड. देखो ये क्या लिखा है, दिस इज लेटर एंड दिस इज वर्ड. तो मेरे साथ बोलो तो जरा, लेटर 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 लेटर
लेटर, हाँ, और दिस इज क्या, वर्ड 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 वर्ड, इसमें आर से र नहीं होता है और इसमें भी आर से र नहीं होता है, ये दोनों क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं। कोई बात नहीं, हमें नहीं आता साइलेंट तो नहीं आता, हम तो केवल इतना बोलना सीखेंगे, लेटर और वर्ड क्या होते हैं, लेटर एंड वर्ड्स, जो आप ए बी सी डी लिखते हो ना, ए बी सी डी ई, ये सब क्या कहलाते हैं, लेटर्स। तो इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, 26। ऐसे लिख के देखो ना, ए बी सी डी ई, देन एफ, देन जी, देन एच, आई, जे, के, एल, जब आप ऐसे लिखोगे ना जेड तक और काउंट करोगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने आएंगे जेड तक काउंट करोगे तो 26। तो 26 को क्या बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं, ए बी सी डी ई एफ को क्या बोलते हैं, लेटर्स। तो मैं जब आपको बोलूंगा जरा इंग्लिश के लेटर्स बोलो, तो आप लोग कैसे बोलोगे, ए बी सी डी, ऐसे करते करते जेड तक बोल दोगे। और अपने फिंगर पे आज काउंट भी करना है, ठीक है, आपको ये एक्टिविटी करनी है, अपने फिंगर पे काउंट करना है या फिर कैसे भी काउंट करके मुझे बताना है, अपनी कॉपी पे भी आप स्टैंडिंग लाइंस लगा के काउंट कर सकते हैं और बताएंगे मुझे कि इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, ओके। और वर्ड्स क्या होते हैं, जब ढेर सारे लेटर्स एक में मिल जाते हैं ना, तो वो वर्ड्स बना लेते हैं, ठीक है, ओके। सो आपको एक एक्टिविटी करनी है, आपको मुझे ये बताना है, काउंट करके पहले लिखना है सब, ए से लेके जेड तक लिखना है, फिर वन बाय वन काउंट करना है, ओके, और काउंट करके मुझे बताना है कि कितने लेटर्स इंग्लिश में होते हैं। और फिर आप हिंदी में भी लेटर्स बताएंगे, क से लेके ज्ञ तक लिखेंगे, क ख ग घ, ऐसे करते करते ज्ञ तक लिखेंगे, ज्ञ से ज्ञानी, क से कबूतर से स्टार्ट करके और ज्ञ से ज्ञानी तक लिखेंगे, एंड देन मुझे बताएंगे कि हिंदी में कितने लेटर्स आते हैं, ओके। और आप लोगों से मिलने का भी बहुत सारा मन कर रहा है, तो आप अपने लेटर्स लिख के और अपना फोटो भी सेंड करेंगे, ठीक है, अपनी कॉपी पे लिख देना ऐसे आंसर्स, ए से लेके जेड तक कितने लेटर्स आते हैं, और फिर उसको अपना फोटो खींच के और फिर ग्रुप में पोस्ट करना, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों से मिल सकूं, ओके, बाय बाय।